अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां करीब 40% ऑटो बिना परमिट के चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ऑटो चालकों ने परमिट लिया ही नहीं है। ऐसे में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे ऑटो के खिलाफ पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्यवाही शुरू की है। हाईकोर्ट ने ऑटो के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। जो भी नियम विरुद्ध तरीके से ऑटो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश के बाद अब पुलिस विभाग ऑटो चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में लगा हुआ है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को ऑटो के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। फलस्वरूप अब सभी थानों की पुलिस नियमों की अनदेखी करने वाले ऑटो की धरपकड़ में लग गई है। जिले में 10,353 ऑटो मौजूद हैं। इनमें लगभग 4,000 की संख्या में ऑटो ऐसे हैं जिनके पास परमिट नहीं है। वह शासन को राजस्व का चूना लगाकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सर्वाधिक मनमानी की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ने वाले ऑटो में देखने को मिल रही हैं। इनमें से ज्यादातर ऑटो ओवरलोड चलते हैं, उनमें सबसे अधिक हादसे की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले ऑटो पर लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी संख्या में ऑटो चल रहे हैं, इनके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है। एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस ने बड़े स्तर पर ऑटो की धरपकड़ की है। अलग अलग चौराहों से 80 से अधिक ऑटो पकड़े गए हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। यह सभी ऑटो पुलिस लाइन में खड़ा करवा लिए हैं। मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी दिलीप तिवारी, सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने सिरमौर चौराहा, जय स्तंभ, धोबिया टंकी अस्पताल चौराहा सहित अन्य स्थानों में कार्यवाही की है। वहीं बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने भी स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में ऑटो पकड़े हैं जो रीवा व सिरमौर सहित अन्य मार्गों में चलते थे। इन सभी ऑटो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बड़ी संख्या में ऑटो उम्र दराज हो चुके हैं। 15 साल की म्याद खत्म होने के बाद भी शहर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। चालकों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता है। कंडम ऑटो कई बार हादसों की वजह बन जाते हैं। पुलिस अब ऐसे ऑटो को चिन्हित कर सड़कों से हटाने का निर्णय लिया है। ऑटो में जो कार्रवाई हो रही है, देखिए वो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, और ऐसा माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो ये दिया है कि बिना परमिट कोई भी ऑटो का संचालन नहीं होगा शहर में। बहुत से ऐसे ऑटो चल रहे हैं शहर में जो बिना परमिट चल रहे हैं, उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। उसी आदेश के तारतम्य में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हम उनको चेकिंग कर रहे हैं, और जो ऑटो परमिट लेके नहीं चल रहे हैं उनको जब्त कर रहे हैं और माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं, फिर वहीं से उनका निराकरण हो रहा है। सर अभी तक लगभग कितनी ऑटो? अभी तक हमने पहले दिन 24 ऑटो बिना परमिट के जब्त किए, चेक हमने लगभग 150 किए थे, जिसमें 24 ऑटो ऐसे पाए गए जो बिना परमिट के थे। फिर दूसरे दिन लगभग हमने 200 ऑटो चेक किए गए, जिसमें 42 ऑटो ऐसे पाए गए जो बिना परमिट के थे। तीसरे दिन हमने लगभग 50 से 60 ऑटो चेक किए, जिसमें 10 ऑटो ऐसे पाए गए जो बिना परमिट के थे। कुल मिलाकर के जो अभी संख्या 3 दिनों के अभियान में जो संख्या हुई है, वो 76 ऑटो ऐसे पाए गए जो बिना परमिट के थे और संचालित थे। उन पर कार्रवाई की है, उनके प्रकरण माननीय न्यायालय पेश किए हैं, वहीं से उनका डिस्पोजल होगा, वहीं से उन पर कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा किसी भी ऑटो के किसी प्रकार से कोई भी चलानी कार्रवाई करके किसी ऑटो को नहीं छोड़ा जा रहा। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.